Hi guys, so welcome to another video. Those who are new, hi, my name is Madhuri and I make videos on makeup, skincare and lifestyle. So अगर आप इन चीजों में से किसी में भी interested हो तो जल्दी से इस channel को subscribe कर दो. And ये है हमारा second episode of 30 days and 30 home remedies with Mehdi, जिसमें मैं आपके साथ home remedies share कर रही हूँ जिससे आपकी जो dull skin एकदम ढिनचैक बन जाएगी. सो मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं आपकी स्किन को और अच्छा और हेल्दी बना सकूं एंड आपके साथ अपनी ट्रस्टेड एंड ट्राइड होम रेमेडीज शेयर कर दूं. सो आज है हमारा सेकंड एपिसोड एंड सेकंड एपिसोड में मैं आपके साथ बताने वाली हूं हमारा राइस फेस मास्क. इसको बनाना बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, लाइक कोई भी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट आपका यूज नहीं होगा. आपको सिंपल राइस पाउडर लेना है, जो लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था कि कैसे बनाते हैं, फिर से बता देती हूँ आपको. जस्ट राइस को लेना है, उसको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है एंड उसका जो पाउडर बन जाता है ना उसी को हम राइस पाउडर बोलते हैं, ठीक है. तो आपको वो लेना है, आप एक से दो स्पून वो राइस पाउडर ले सकते हो. उसके बाद उसमें आपको मिल्क ऐड करना है एंड उसको थोड़ा सा बॉईल कर देना है. गैस ऑन करके उसको अच्छे से बॉईल कर दोगे तो वो ना एक थिक कंसिस्टेंसी बन जाएगी, बिकॉज राइस बॉईल होगा तो वो थिक होता जाएगा. आपको मिल्क में बॉईल करना है, उसको ठंडा होने देना है, ऐसे डायरेक्टली मत लगा लेना, उसको थोड़ा ठंडा होने दो. उसके बाद अपने फेस पर अप्लाई करना शुरू करना है. तो ये पूरा प्रोसेस है, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको करेंगे कैसे, ठीक है. तो ये सब मैं प्रिपेयर करके फिर आके आपको दिखाती हूँ. ओके, सो ये है हमारा राइस फेस मास्क, ठीक है. इसकी कंसिस्टेंसी इस टाइप की होनी चाहिए एंड इसमें लम्ब्स नहीं होने चाहिए, थोड़े बहुत तो चलेगा, बट आप इसको अच्छे से मिक्स कर लो एंड इसको ठंडा ज़रूर कर लेना, एकदम गर्म अप्लाई नहीं करना है, ठीक है. लाइक ऐसा क्रीमी सा इसका टेक्सचर होना चाहिए एंड अगर ज़्यादा बन जाए ना तो इसको आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो एंड फिर नेक्स्ट डे लगा सकते हो. इसको आप डेली भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा है आपकी स्किन के लिए. दिस इज़ हाउ द मास्क शुड बी. सबसे पहला एंड सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि अपने बालों को पीछे कर लो, बिकॉज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. हाथ से अप्लाई कर सकते हो या फिर किसी ब्रश से अप्लाई कर सकते हो. सो मैंने इसको अच्छे से लगा लिया. अब हम 10 to 15 मिनट्स का वेट करेंगे, इसको अच्छे से ड्राई होने देंगे एंड आपको एकदम ठंडा ठंडा सा कूलिंग इफेक्ट फील होगा इसको लगाने के बाद. बहुत अच्छा फील होता है, आप इसको लगा के थोड़ा थोड़ा रेस्ट भी कर सकते हो. 10 to 15 मिनट्स बाद हम इसको वॉश करेंगे एंड देन मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगी. पहली बार में ही बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है एंड आप इसको अगर 30 डेज के लिए कंटिन्यूसली यूज़ करते हो तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, बहुत हेल्दी एंड बहुत ग्लोइंग हो जाएगी. आपके जो भी डार्क स्पॉट्स हैं वो चले जाएंगे एंड जो राइस होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपकी स्किन के लिए. लाइक एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फाइन लाइन्स नहीं होते हैं, रिंकल्स नहीं होते हैं एंड काफ़ी और भी अच्छे अच्छे बेनिफिट्स होते हैं. एक्ने नहीं होते हैं राइस से. तो आई विल सजेस्ट कि आप इसको डेली लगा सकते हो या फिर अगर डेली इतना टाइम नहीं है तो ऑल्टरनेट डेज पे लगा सकते हो. अब सो जैसे ये बचा है इसको हम फ्रिज में स्टोर करके रख देंगे एंड नेक्स्ट डे लगा लेंगे या एक दिन छोड़ के फिर लगा लेंगे. दैन ठंडा ठंडा लगाएंगे ना, बहुत अच्छा फील होता है उसको लगाने के बाद. सो अब मैं 10 to 15 मिनट्स के लिए कुछ करूँगी एंड देन मैं इसको वॉश करने के बाद आपसे मिलती हूँ, ठीक है. आई होप आपको ये सीरीज की वीडियो समझ आ रही हो, बट मैं ट्राई कर रही हूँ अपना बेस्ट कि मैं आपको अच्छे से एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ इन डिटेल, ठीक है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, दिक्कत ना हो. सो मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया. दिस इज़ हाउ माई स्किन इज़ लुकिंग. दिस इज़ हाउ माई स्किन इज़ लुकिंग. आपको बिफोर एंड आफ्टर का क्लियर डिफरेंस दिख रहा होगा आई गेस. बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड हाइड्रेटेड फील हो रही है एंड बहुत ज़्यादा ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा फील हो रहा है कि कितना जो वेट है वो कम हो गया मेरी स्किन से. बहुत अच्छा फील हो रहा है. लाइक मैं गारंटी ले रही हूँ कि आपको डिफरेंस पता चलेगा इसको अप्लाई करने के बाद एंड आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी होना स्टार्ट हो जाएगी. मैंने आपको इसके सारे बेनिफिट्स बता दिए, कैसे बनाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, सब कुछ बता दिया है, ठीक है. एंड इसको वॉश करने के बाद आप अपना कोई भी फेवरेट मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो. मुझे ये डॉट एंड की का पसंद है तो मैं इसलिए इसको लगा रही हूँ. और यू गाइस कैन सी द डिफरेंस, कितनी सॉफ्ट और कितनी अच्छी मेरी स्किन लग रही है. लाइक मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है जेन्युइनली. सो दैट वाज इट फॉर दिस एपिसोड. अगर आपको अच्छा लगा हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. आल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपकी स्किन कंसर्न क्या है, जैसे आपकी डार्क सर्कल्स हैं या फिर एक्ने हैं, उसके अकॉर्डिंग भी मैं होम रेमेडीज आपको सजेस्ट कर दूंगी, आपको बना के बता दूंगी, जो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगी एंड 110% वर्क करेंगी ही करेंगी, ठीक है. सो दैट इज इट फॉर द एपिसोड. सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. बाय. फॉलो फॉर मोर. टाटा. Thank you.